हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम देखेंगे कि डिवोर्स कितने टाइप का होता है, इसका क्या प्रोसीजर होते हैं, आप कहाँ डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और कितने टाइम में आपको डिवोर्स मिल सकता है। वैसे तो भारतीय संस्कृति ये कहती है कि शादी एक ऐसा संस्कार है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय कानून हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमारी शादी ऐसे समय में पहुंच चुकी है, ऐसे हालातों में पहुंच चुकी है जहां एक साथ रहना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है, तो हम अपनी शादी को लीगली ख़त्म कर सकते हैं। डिवोर्स दो टाइप का होता है, एक म्यूचुअल डिवोर्स होता है, दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स होता है, जिसमें एक पार्टी रेडी होती है और दूसरी पार्टी रेडी नहीं होती है डिवोर्स के लिए, या आपसी सहमति से इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। म्यूचुअल डिवोर्स आपसी सहमति से वो डिवोर्स होता है जिसमें कपल के बीच अपनी समस्याओं को लेके सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं कि चाइल्ड कस्टडी किसके पास होगी अगर बच्चा है तो, या फिर मेंटेनेंस का अमाउंट कितना होगा, एलिमनी का अमाउंट कितना होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये इनका एक कंक्लूजन निकल चुका है और कोर्ट के पास जाकर सिर्फ अब उन्हें डिवोर्स लेना है। इस म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में ये होता है कि कोर्ट के पास आप जाते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम शादी से लेकर पिटीशन फाइल करने के बीच में एक साल तक एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक साल तक अलग रहना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। इसमें आप दोनों मिलकर एक पिटीशन, जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट्स फाइल देते हैं कोर्ट में जाकर और साइन करते हैं। इसमें 6 महीने का टाइम लगता है, कूलिंग पीरियड होता है 6 महीने का। अगर आप चाहते हैं तो इन 6 महीनों के अंदर या तो अपनी पिटीशन विथड्रॉ कर सकते हैं और अपने इश्यूज रिजॉल्व करके एक दूसरे के साथ फिर से रहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 6 महीने के अंदर इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए और आपने अपनी पिटीशन विथड्रॉ नहीं की तो फिर आप अपना सेकंड मोशन फाइल करते हैं और कोर्ट आपको ग्रांट कर देती है डिवोर्स। वैसे तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड मैंडेटरी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके अनुसार ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो 6 महीने का ये कूलिंग पीरियड वेव ऑफ भी कर सकती है। दूसरा टाइप का डिवोर्स होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें दोनों पार्टीज के बीच आपसी सहमति नहीं बनती, या तो चाइल्ड कस्टडी को लेके या मेंटेनेंस को लेके या किसी और रीजन से। इस कंटेस्टेड डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हमें हिंदू मैरिज एक्ट में मिलते हैं कि हमें जो डिवोर्स मिलेगा वो सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे मिलेगा, जैसे कि क्रुएलिटी, अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, फॉर एग्जांपल अगर एक दूसरे को सुसाइड करने की धमकी देते हैं, मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो डिवोर्स मिल सकता है। या फिर डिजर्शन, अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक ने भी एक दूसरे को 2 साल से अलग रह रहे हैं, एक दूसरे का परित्याग कर दिया है, तो भी डिवोर्स मिल सकता है। थर्ड ग्राउंड होता है कन्वर्जन, अगर किसी भी एक पार्टनर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम या क्रिश्चियन बन चुके हैं, तो भी तलाक मिल सकता है। या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ हो चुके हैं, तो भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। अगर किसी पार्टनर को कम्युनिकेबल डिजीज हो गई है, लाइक HIV या एड्स हो गया है, तो भी डिवोर्स मिल जाएगा। या फिर किसी ने अपने पार्टनर के बारे में पिछले 7 सालों से सुना ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके जीवित होने की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, तो भी तलाक मिल सकता है। या किसी ने समाज का परित्याग कर दिया, मतलब समाज त्याग दिया, वो सामाजिक जिंदगी नहीं जीना चाहते, तो भी दूसरे पार्टनर को तलाक मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि हम तलाक की जो याचिका है, डिवोर्स पिटीशन, कहाँ फाइल कर सकते हैं। हम डिवोर्स पिटीशन वहाँ फाइल हो सकते हैं जहाँ पर शादी हुई है, या फिर कपल जहाँ पर एक साथ आखिरी बार रहा था वहाँ पर डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है, या जहाँ पर वाइफ रह रही है वहाँ करंटली, वहाँ पर भी आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स लेने में म्यूचुअली कंसेंट अगर डिवोर्स है तो उसको लेने में 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, लेकिन अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो उसको लेने में सालों साल भी लग सकते हैं और जल्द भी मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल डिवोर्स का मतलब होता है अगर हम आपसी सहमति से अपना एफिडेविट नोटराइज करवा लें तो वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मान लिया जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, आपको डिवोर्स हमेशा कोर्ट से ही लेना होगा।